यहाँ मैंने जॉब के लिए ऐसे ही अप्लाई किया था, वरना काफी दुकानें हैं हमारी। और एक्चुअली ना मैं अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल करना चाहता हूँ इसलिए। एक अजीब सी बात बोलूं, I don't know why हम बार बार मिलते हैं और पता नहीं क्यों मिलते हैं लेकिन फिर मिलते हैं। So what I'm trying to say कि हमें शायद और मिलना चाहिए। नहीं? अरे अबीरा बेटा ले आ जल्दी से, सर में दर्द हो रहा है मेरे। सही है। अस्सलामुअलैकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम बच्चो। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, मेरा भाई तो बड़ा खुश लग रहा है आज। नौकरी लग गई है मुझे लग रहा है। नौकरी तो मिल गई, आपने कहा था ना शादी कर लूं। एक लड़की भी मिल गई। लड़की कहाँ से पसंद आ गई, चक्कर वक्कर चला लिया है जरूर, है ना। अरे अल्लाह का शुक्र है, मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से बहू आ जाए इस घर में तो मेरी तो जिम्मेदारी खत्म हो जाए। कसम से अब्बा की और तुम लोगों की मोहब्बत में आ जाती हूँ, रोज आ जाएगी घर संभालेगी, मैं आराम से दुबई अपने मियाँ के पास जाकर रहूंगी। अबीरा को भी बड़ा शौक है अपने पापा के पास जाकर रहने का। तो बस जल्दी से करवा देना मेरी शादी। हाय क्यों नहीं, मैं कुर्बान, मेरा चंदा, मेरा भाई, बस सही है, मैं तो बड़ी खुश हूँ भाई। कब चल रहे? कल चले। क्या नाम है? अनीला। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से पानी मांगो, जल्दी से पानी। जी 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 अब्बा जी, तबीयत ठीक है ना? हाँ। शाजिया, अरे शाजिया पानी लेकर आओ जल्दी से। अब्बा जी तबीयत तो ठीक है? पानी के साथ साथ फरीद को बुलाओ, फरीद को। भैया भैया क्या हो गया? अब्बा जी आगे। पूरे 5 लाख का नुकसान हुआ है, क्या मैं कराता हूँ वाली दुकान से? अरे कहाँ रहते तुम्हारा ध्यान? अब्बा जी पानी पी। बस नजर लग गई है, बता रहा हूँ बानो खाला टोक के गई है। पीर साहब ठीक कर लेंगे, इतना मसला नहीं है। अरे पीरों के चक्कर से कब निकलेगा तू? मेरी हलाल की कमाई को हराम करवा रहा। ए भैया तुम ना वहमी होते जा रहे हो, अपना नफसियाती इलाज करवाओ। अच्छा तू क्या प्रोफेसर गिरी करता है? बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। अभी अफलातून नजर का बड़ा चक्कर होता है, एक बार टोक देना पर गए। और जिन्नात उनको भी कुछ चाहिए होता है ना उनके लिए। अरे बंदूक जब मैंने उठा ली ना तो फिर ये जिन्नात ये भूत सब निकल जाएंगे। 5 लाख का नुकसान तुमने किया है, पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। अनिला तुम खाना लगवाओ, चलो जी। चलो खाना लगवाओ। अब्बा जी आप आराम से बैठ कर बात करें। एक बात कहूँ आपसे, आपके चेहरे पर ना बहुत ही शफकत है, आपको देखकर मुझे अपनी अम्मा मरहूमा याद आ गई, है ना फारूक? अम्मी ऐसे ही थी ना बिल्कुल। बेटा शफकत क्यों नहीं होगी, माएँ तो होती इसीलिए हैं, मोहब्बत शफकत का पैकर, ये माएँ हैं ऐसे ही होती। वैसे आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं। जी जी बिल्कुल।
बच्चों बताया नहीं आपने कैसी लगी लड़की आपको? हाँ अच्छी है, अंग्रेजी तो बड़ी फरफर बोल रही थी। वैसे बुरा मत मानना भैया, बड़ी तेज लड़की लग रही थी। तेज लड़की लगी मतलब? क्यों, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रही थी इसलिए? अरे ये क्या बात हुई, अंग्रेजी तो मैं भी बोलता हूँ, अबीरा भी बोलती है, स्कूलिंग अच्छी हुई है ना हमारी, और ऐसे भी शादी मैंने करनी है। अच्छा पढ़ी लिखी लड़की आ जाएगी। अरे भैया ऐसी लड़कियां लड़कों को लेकर अलहदा हो जाती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर टूट जाए इसके चक्कर में। अरे फिर अब्बा जी और फरीद बेचारे अकेले क्या करेंगे? बस कर दो, इतना वहम मत करो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़की 100% ठीक है और दिल की बहुत अच्छी है, और वैसे भी अगर माँ पढ़ी लिखी होगी ना तो नस्ल अच्छी हो जाएगी। माँ से याद आया, फारूक वो तो मुझे बड़ी ऐबी लग रही थी। बच्चो यार कसम से। अच्छा खैर तू परेशान ना हो ना, मैं फरीद से कहकर इस्तखारा कराऊंगी, देखते हैं क्या जवाब आता है। बहुत अच्छा जवाब आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप धैर्य बना लें। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। भाई मुझे तो फारूक बहुत अच्छा लगा, साफ दिल का नेक नियत लड़का है। बहुत तेज है वो, एक दिन मिला है मुझसे, रिश्ता भी ले आया। अरे तो उसमें हर्ज क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा सा लड़का है वो, और देखो सबसे अच्छी बात ये कि बहुत खानदानी लोग हैं, खानदान को निभाना जानते हैं। उसकी बहन भी तो वहीं रहती है जिसका हस्बैंड दुबई में, तो भरा पूरा घर है, तुम जाओगी इंजॉय करोगी, तुम्हारा बचपन वैसे ही कितना अकेला गुजरा है ना, क्या कहती हो? तो आपने फैसला भी कर लिया? हाँ तो इसमें हर्ज क्या है, जाके उनके बड़ों से मिलूंगी, मुझे पसंद आए तो बात पक्की कर दूंगी। ओके बस अब इसी बात पे मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ। खामोश क्यों? क्या कहूँ? कुछ भी कहो, चलो ये कह दो कैसा लग रहा हो? अच्छे लग रहे हो। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। फारूक! हाँ, अरे फारूक दरवाजा खोल भैया। खोल रहा हूँ दरवाजा, क्या? अरे पागल इंसान, जिंदाबाद, भूल गया? ये बड़ा नहीं था, भूल गया? अरे पागल आदमी, हाय हाय, दादी ये तो भूल गए। हाय क्या कर रहे हो? चल 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 बैठ बैठ बैठ। हाँ एक सेकंड, नहीं नहीं जल्दी 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 जल्दी। हाय कैसी अच्छी हवा आ रही है, बड़ा अच्छा एसी दिया तुम्हारी अम्मा ने। अरे फरीद ऐसे क्यों बैठे जमीन पर, ये रख ले इस पे बैठ जा। अरे मेरा भाई ऐसे फर्श पे बैठा हुआ है। अरे भाई यार आराम से क्या कर रहे हो? ये गर्मी लग रही है मुझे, खिड़की खिड़की नीचे करानी है, कैसे होगी? अल्लाह मूड से नहीं आता मुझे। ऊपर चल चल चढ़ जा शाबर, जल्दी से नीचे कर दे, मेरे सर पे आनी चाहिए हवा है। हाँ ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। चल हाँ आ रही है। अरे मेरे पान कहाँ चले गए, बैठ जा। अरे मुझे नजर नहीं आएगा। अच्छा बीच में बैठ जा। हाँ बैठ जा बैठ जा। फारूक फारूक बेटा दरवाजा तो बंद कर दे, कमरा गर्म हो जाएगा। ये पान खा लो राजा साहब, पानी बड़ा अच्छा। अच्छा चलो खैर रख देते, खा लेगी। अरे मेरा बच्चा फारूक बैठ जा ना, खड़ा क्यों है? आ जा मेरा बच्चा। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अरे लेट जाए ना। अरे लेट कैसे? अपना कमरा समझे, इतना शर्मा रहे शरीर कहीं की मजाक उड़ाती है मामू का है। Thank you.
कब? उठ जाओ, उठो, 3 बज गए हैं, नाश्ते में सब इंतजार कर रहे हैं। 3 बज गए? मम्मी कितनी मिस कॉल्स आई हुई थी, उन्हें तो आना था। मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। हाँ, फोन करके बाहर आ जाओ। हेलो मम्मी, आई एम सो सॉरी, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। मैं आप कितनी मिस कॉल्स आई हुई थी। जी मैं आपको घर आकर बताऊंगी कि क्या हुआ था। अरे मैंने इतनी बेल्स बजाई मगर ना किसी ने गेट खोला ना कोई फोन उठा रहा था। खैर मैं समझ गई कि थके हुए होंगे, सब सो रहे होंगे। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से करना मत घर में, खामखा ऑकवर्ड फील करेंगे वो लोग। जी चलो ठीक है, ओके। से काफी अच्छी लग रही थी आप आज। इवेंट अच्छा हो गया ना आज का? हाँ। पता नहीं आंटी इतनी जल्दी क्यों चली गई, थोड़ी देर रुक जाती। हाँ पता नहीं। आगे आप पिट गई, पिट गई। फिकर नहीं करो, आज नहीं कोई आएगा क्योंकि आज कोई मैच ही नहीं। कोई ना कोई इवेंट तो ढूंढ लेंगे भाई। मुझे तो लगता है मुझे पीसीबी में कंप्लेन कर देनी चाहिए, रात को मैच नहीं रखा करें। ये हाँ हाँ देखना अभी ये दोबारा होगा। अच्छा अच्छा दोबारा। इसको जो ना सूत सूत के मारा था ना एक, वो हमारे मोहल्ले में रहते थे खलील साहब, पुरानी बात है, उनकी बेटी को छेड़ता था। हाँ मामू तो बता क्या बड़ा बदमाश था ये बचपन में, तो हफ्ते में एक बार निकालता। अरे रहने दे, कभी कभी एक बार तो चलता है। आई हाय बेड़ा गर्क हो गया। वो खाला बिल्कीस क्या खाना भिजवाना भूल गई। भूल गई? अभी राउट उठ उठ पीट दरवाजा पीट, बुला फारूक को बुला दरवाजा पीट जल्दी से। क्यों? अरे भाई वो बिल्कीस खाला क्या खाना भिजवाना था बिल्कुल भूल। हाँ आ रहा हूँ। अरे भाई तू तो आ गया। वो बिल्कीस क्या खाना भिजवाना तो मैं भूल के बेटा दिया जरा जाके जा मेरा बच्चा। तो मैं अभी जाऊंगा देने के लिए, क्या बच्चों कमाल करती हो तुम। हाय हाय तो क्या हो गया, 5 मिनट लगेंगे, 2 गलियां आगे शुगर के मरीज है, भूखे बैठी बेचारी। जा दे आऊंगा ना जा। नहीं 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 अभी 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 खाना अभी। अरे भाई सुस्ती ना कर यार, निकल जा। कमाल करते हो तुम लोग यार। फिर गेम खेलते हैं। और वो जर्दा भी लेके जाना जरूर। हाँ हाँ लेके जाऊंगा। जर्दा बचा है? नहीं इतना सा रखा है मैंने छुपा के अब्बा के लिए, वो दे दूंगी, उसमें से एक ने वाला है। आ, चल 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 चल। अच्छा नहीं ये लो, ऐसा बेईमान है कि बस ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। दोबारा 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 नहीं है, 6 नजर नहीं आ रहे। हाँ सारी बात है। मैं तो सब बातें बताऊँ। और भी बताएं मम्मी, और भी, और भी। अब देखो नहीं नहीं ऐसी क्या हालत हो गई थी। अरे नहीं नहीं कोई नहीं। अच्छा दोबारा सजाओ सजाओ चलो। कोई कोई प्रॉब्लम हो गई है? है क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई है? भाई अल्लाह ना करे क्यों हो मसला, हम तो ऐसे सारे हंसी खुशी बैठे खेल रहे हैं। हम तो क्या मसला, हम तो हंसते बोलने वाले लोग हैं, मजा कर रहे हैं। आप भी खेले ना। नहीं वो एक्चुअली फारूक वापस नहीं आया ना। फारूक कहाँ गया? फारूक हाँ वो बिल्कीस खाला को खाना देने भेजे। अरे तुम्हारा मियाँ तुम्हें बता के नहीं जाता क्या है? ऐसा ही होता है, शादी से पहले के चौंचले होते हैं सारे, बाद में हमें देख लो। अब ये बताओ तुम्हारे दूल्हा भैया ने फोन किया क्या इतने दिनों से? है अल्लाह माफ करे कभी भी, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो खेलते हैं। अरे वो दिन गए जब पसीना गुलाब था। हाँ चलो चलो बारी चलो। आप लोग दरवाजा पीट रहे थे, आपने उन्हें बुलाया था इसलिए मैं जरा परेशान हो गई थी। है नहीं मतलब वो इस वक्त खाना देने गया है, बहुत
अजीब सी बात है, इट्स रियली स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या है? तुम्हें इतराज किस बात पे? उसके जाने पे, खाना पकाने पे, या हमारे शोर करने पे? नहीं, वो मेरा कमरा एक्चुअली लाउंज के साथ है, तो मुझे बहुत शोर की आवाज आ रही थी, इस वजह से मैं। अरे तो क्या करें, गला घोट लें अपना, बल्कि एक काम करें, टेप लगा लेते अपने मुंह पे। है जा अबीरा, टेप लेकर आ, जा टेप लेके आ, पागल हो गई। अरे तू तो असली में जा रही, पागल हो गई क्या? अब वाकई लगाएंगे क्या? नहीं नहीं, एक काम कर, तू जाके बॉर्ची खाने से ना वो सादा खुशबू वाले पान लिया जरा। हाँ नहीं नहीं, बहुत कड़वा हो रहा है, मैं नहीं खा रही। हाँ प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन आप लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, अगर आप वॉल्यूम थोड़ा सा, यू नो, थोड़ा सा। ये क्या बोल रही है, अंग्रेजी में गालियां दे रही है तू मुझे? है गालियां दे रही है मुझे? क्या शोर करते हम हैं? माना कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मगर मतलब ऐसा क्या हो गया आखिर? क्या हुआ फारूक भैया? देखो मैं पढ़ नहीं सकी ज्यादा, मेरी शादी हो गई थी 14 साल की उम्र में, माँ बाप ने दे दिया, कितना पढ़ लेती मैं। ये लेना पान। नहीं, दफे कर पान को, ये मुझे ऐसे अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बातें बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने इनसे बस ये बोला कि थोड़ा सा आराम से बात करें। ये देख कैसे झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है? माफी मांगो। किस बात की माफी मांगू, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। हमारे मुंह पे हमें झूठा कर दिया, अस्तगफार। अरे नहीं तुम बड़ी है घर की, सॉरी बोल। अरे मैं क्यों मांगू माफी, मैंने जब कुछ गलत ही नहीं किया। माफी मांगो। नहीं नहीं, इसे क्यों माफी मंगवा रहा है? अरे ये ले, ये जूती उठा, हमारे सरों पे मार, निकाल दे हमें घर से। अरे जूती हमारे हमारे सर पे, हट जा तू तो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, माफी मांगो तुम। मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कोई गलत बात जब की ही नहीं है। रखी है यार, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मेरी ये देख, ये देख कैसी अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या गालियां हमें देके चली गई। ये देखिए मेरा भाई कैसे सुमेरा को 2 मिनट में तलाक दे दी थी जबान चलाने पर। अरे गैरतमंदी तो मेरे भाई पर दी एंड है। क्यों कर रहे हो मुझे बार बार फोन? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो मेरी एक ही बहन है, मेरी अम्मी ने कहा था उसका ख्याल रखो। और मेरा ख्याल? मेरा ख्याल कौन रखेगा? जिसके नाम पे मैं उस घर में थी वही मेरी बेइज्जती कर रहा था सबके सामने। मैं जानता हूँ मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या करता? आ गया गुस्सा, माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज डोंट कॉल मी। अरे कोको, तुम कब आई बेटा? मैं जब आई थी तब आप सो रही थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब थी? अरे बेटा शादी में एग्जर्शन ज्यादा हो गया था, वीकनेस से चक्कर आ गए, बस मैं घर आ गई थी। आपको बताना चाहिए था मुझे। बराबर में आयशा है ना, वो डॉक्टर आयशा मेरा बहुत ख्याल रखती है, और फिर तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, क्या परेशान करती तुम्हें? फिर भी मुझे बता देना चाहिए आपको। ये बताओ फारूक कहाँ है? फारूक घर पे है। कोको इधर देखो मेरी तरफ, सब ठीक है ना? सब ठीक है।
आ गई तुम हैं? असल में वो मैंने रोजा रखा था ना, तो मन्नत का रोजा था, इसलिए जरा आंख लग गई। एसी बड़ा अच्छा चलता है तुम्हारे कमरे का। अब्बा के कमरे का तो एसी सही काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। अरे फारूक भैया जरा अब्बा के कमरे का एसी तो ठीक करा दे, बल्कि इसी कंपनी का ले लेना, पूछना जरा इनकी अम्मा ने कौन सी कंपनी का लिया था। आ जाओ बहन, बैठ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। फिर कहोगी कि बच्चों ने इज्जत से बात नहीं की। खैर बैठो, बातें करो तुम दोनों। बेटे भूलना नहीं, हाँ एसी सही कराना जरा, बड़ी गर्मी हो रही है आजकल है। अब्बा वालों का एसी बड़ा ही खराब हो गया, हवा ही नहीं आ रही। इसी कंपनी का ले लेना। और हाँ भाई, हम तो चाहते हैं घर का माहौल अच्छा रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, मगर इसे भी समझा दो जरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अगर गलती से नजर पड़ी गई है तो सलाम कर ले बंदा। सॉरी सबके लिए। देखो मुझे पता है तुम अभी नाराज हो मुझसे, पूरे रास्ते बात नहीं की तुमने। रियली सॉरी, माफ कर दो यार, हो जाती है छोटी मोटी चीजें, आगे बढ़ते हैं ना। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी माँ को सब सच सच बताती कि यहाँ क्या क्या कुछ हो चुका है, और अगर उन्हें पता होता ना तो मुझे कभी यहाँ वापस नहीं आने देती। बोल तो रहा हूँ सॉरी, मैं हो गई ना गलती यार। आप क्या मेरे रूम में? तुम कहाँ छुपी हुई थी? बाथरूम में थी। आ जाओ बैठो, मैं तो भी शॉप से आ जा थका हुआ, मैंने वेट कर फिल्म देखता। आ जाओ बैठो। अगर आपको रेस्ट करना है तो आप अपने रूम में जाकर कर लें। भैया अपने पराए का कोई चक्कर नहीं होता है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ये चक्कर ही नहीं है। आ जाओ बैठो, मैं देखी हुई फिल्म कमरी है। मैं बाहर जा रही हूँ, जब आप फ्री हो जाए मुझे बता दीजिएगा। नहीं तो आज लो वापसी में ना चिप्स लेती है ना, आलू तल के इकट्ठे बैठे खा लेंगे। देखो I know, I'm sorry, but मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, जब से उनकी शादी टूटी है तब से थोड़े नफसियाती से हो गए हैं वो, लेकिन भाई है मेरे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है अगर आ गए वो कमरे में। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सारा दिन मेरे रूम में बैठे रहे और मैं बाहर बैठी रहूं। इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? What do you mean, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है या नहीं? ऐसे ही हैं हम सारे, प्राइवेसी क्या होती है मतलब? बैठ गए वो आके रूम में, तुमने किसी बात पे इतना बड़ा इश्यू बना दिया, टीवी तो देख रहे थे और क्या कर रहे थे? ठीक है फिर आप मेरा टीवी उतार कर लाउंज में रख लो। क्या मतलब मेरा टीवी? तुम्हें क्या लगता है मैं टीवी अफोर्ड करके नहीं दे सकता अपने घर वालों को? ये क्या बात कर रही हो तुम, मतलब तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा तो मत बनाओ ना। मैं इशू नहीं बना रही हूँ, मैं टीवी की बात के ऊपर क्यों इशू बनाऊंगी, मैं प्राइवेसी की बात कर रही हूँ। वो जेठ है मेरे, हमारा लिहाज कष्ट है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अगर तुम्हारा अपना कोई भाई होता ना तो तुम्हें कोई इशू नहीं होता, मेरा भाई था इसलिए तुम्हें इशू हो गया है। और ये इशू पता है टीवी का भी नहीं है एक्चुअली ना, प्राइवेसी का है, ये तुम्हारी सोच का है, तुम्हारे दिमाग का है, तो तुम उसको ठीक करो।
इधर आओ जरा, दुपट्टा पहनने में मौत आती है तुम्हें? हुँ? सारा दिन घर में बगैर दुपट्टे के दनदनाती रहती हो, कुछ शर्म लिहाज है तुम्हें बड़ों का या नहीं? शर्म हया औरतों का जेवर होता है, जाओ। अरे बदतमीज, कोई तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने कि किस तरह बड़ों से बात की जाती है? इज्जत नहीं आती तुम्हें बड़ों की करनी? बड़ों को भी खुद अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। आजे फारूक, आज इसका पत्ता साफ करवाती हूँ मैं। ये सिखाया माँ ने, बेशर्म कही कि एक हम थे, कभी सास के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, आठ आठ दस दस किलो कीने के कबाब बनाए सिलबट्टे पर रगड़ रगड़ के, मगर मुंह से उफ नहीं निकाली। एक ये जबान दराज, जबान तो देखो ना, माफ करे। आ जाए आज फारूक, देख तेरा कैसा हशर करवाती हूँ मैं। मैं तुम्हारे घर में बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे तो ऑनेस्टली ऐसे लग रहा है जैसे मैं घर में नहीं किसी चौराहे पे रहती हूँ। तुम जैसे ही चाहते हो मेरे कमरे की सारी दीवारें गिर जाती। फारूक, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अब इस घर में एक मिनट नहीं रहना। ये आई ही इसलिए थी घर में, इसी एजेंडा से आई थी, सीधी बात बता रहा हूँ तुझे, घर को तोड़वाने तोड़ फोड़ करने आई थी। अच्छी फैमिली, खुश फैमिली हमारी, यार करके क्या जा रही है, ये है इसका चक्कर। कोई भी लड़की इन सब चीजों की प्लानिंग करके नहीं आती है। मुझे इस घर में आप लोगों ने डे वन से बहुत बेसुकूनी में रखा हुआ है। सुन लो, और आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि भाभी आपको क्यों छोड़ के गई थी? और सच बताऊं तो आपके अम्मी का इंतकाल भी किसी अनोन बीमारी की वजह से नहीं, आपके अब्बा की वजह से हुआ था। अब्बा?